हेलो, टुडे आई एम गोइंग टू मेक शाही पनीर। अच्छे से भूनना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तभी इसका स्वाद डेवलप होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्ची ली थी, वो डाल दी है और एक टमाटर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, और सूखे मसाले एकदम सिंपल रखे हैं मैंने। इसमें भी हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला यूज़ किया है, हींग यूज़ किया है और नमक यूज़ किया है, बस दैट्स ऑल।
और ये हम मिक्स कर लेंगे, और जो हमारी दाल बॉईल हो गई है उसे हम डाल देंगे इसके अंदर, और ये हमारा दाल फ्राई भी बनके रेडी है। बस इसमें जो लास्ट में मैंने डाला है वो थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और हरा धनिया डाला है, और इसे थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि ये जो आपको ऊपर ऑयल दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इसमें ही मिक्स हो जाएगा। और ये हमारा दाल तड़का बनके रेडी हो चुका है। तो हमारी दाल फ्राई तो हो गई है रेडी, और अब हम शाही पनीर की ग्रेवी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी भुन चुकी है, और अब इसके अंदर हम जो हमने कैप्सिकम और अनियन पेटल्स और जो भी पनीर वनीर काट के रखा था वो सब इसमें डाल देंगे। और ग्रेवी मुझे थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पर, और ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। और लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। आप कलर देख सकते हैं इसका, बहुत अच्छा कलर आया है, ना मैंने कोई फूड कलर का यूज़ किया है ना कुछ और चीज़, सिर्फ मैंने बीटरूट डाला था उससे बहुत अच्छा कलर आ गया। ये देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है, बिल्कुल रेडी है। और लास्ट में मैं यहाँ पे हरा धनिया डालूंगी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो ये हमारी शाही पनीर भी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते पुलाव बनाने की तरफ। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है एक पैन के अंदर, और उसमें जीरा डाल दिया है, और लाल मिर्ची जो होती है वो डाली है इसके अंदर कट करके। काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं आप ना डालना चाहें तो नहीं भी डालें, स्किप कर सकते हैं इसे। और मैंने एक गिलास चावल लिए थे तो दो गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और इसे मैंने धो के वॉश करके डाला है इसके अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हाफ कवर करके रखना है चावल को। बस ये 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं, और लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया था कुक होने के बाद, और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बने हैं। आप भी मेरी रेसिपीज ट्राई जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है।